नवरात्रि के पावन अवसर पर सुहागी क्षेत्र में भव्य मेले का हुआ आयोजन। जबलपुर संस्कारधानी में नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महाराजपुर क्षेत्र क्रमांक 75 में सर्वजातीय कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में भव्य मेले का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में माता जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है। वरिष्ठ समाजसेवी लक्ष्मण गोटिया ने बताया कि इस मेले में आसपास के क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं हम सभी समितियों वालों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। महाराजपुर वार्ड 75 में सर्वजाति कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में आसपास से के क्षेत्र से माता के भक्त आकर के इस मेले के आयोजन का लुत्फ़ उठा रहे हैं। इस आयोजन को करने के पीछे के कारण था कि हमारा जो वार्ड है ये शहर से काफ़ी दूर है और किसी भी प्रकार का यहाँ पर आयोजन नहीं होता, जिसमें हमारी समिति ने निर्णय लिया कि क्यों न एक ऐसा काम किया जाए जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्र के जो माता के भक्त हैं, जो मेला के प्रेमी, वो आकर के इसका लुत्फ़ उठा सके। इसके संयोजन में समिति ने निर्णय लेकर के एक मेले का प्रथम वर्ष इसका आयोजन किया, जिसमें माता के भक्त बहुत ही अधिक मात्रा में आकर के इस मेले का आयोजन का लुत्फ़ उठा रहे। जय माता की। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार गोटिया, पूर्व सरपंच महाराजपुर, वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी लक्ष्मण गोटिया, वार्ड पार्षद, वार्ड क्रमांक 75 महाराजपुर। आज अष्टमी के दिन माँ भगवती की माँ आरती करने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ही, साथ साथ ये जो भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ है माँ भगवती के प्रांगण में मेले का, इसे भी घूमने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये प्रथम बार हमारे इस महाराजपुर क्षेत्र में मेला लगा है। समिति के जिन भी सदस्यों ने इस मेले को आयोजित करने में अपना योगदान दिया है, इसकी रचना रची है, उन सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। उनको मेरी शुभकामनाएँ कि अगली वर्ष इस मेले में जो ये भीड़ आ रही है, इसको देखते हुए मन उत्साहित होता है, ये प्रतीत होता है कि इससे कई गुना भीड़ अगले साल आएगी। तो ऐसी मेरी शुभकामनाएँ इस समिति के सभी सदस्यों को हैं कि ये लोग और अच्छे से बढ़िया कार्यक्रम आयोजित करें और हमारे क्षेत्र की जनता को पुण्य लाभ और आनंद प्राप्त करने का भी शुभ अवसर प्राप्त कराएँ। दिनेश पटेल। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।